लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर उनके चाहने वालों में खुशी का माहौल है। ये पल उनके और उनके परिवार के लिए बेहद खास है। ये झलकियाँ लाल कृष्ण आडवाणी के घर से आ रही हैं, जिनमें आप उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी को उनका मुंह मीठा कराते देख सकते हैं। भारत रत्न मिलने पर लाल कृष्ण आडवाणी के बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। जीवन भर में वो कम शब्दों वाले इंसान रहे, बट स्वाभाविक उनकी आंखों में आंसू थे, और इस चीज की संतुष्टि और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है। और मैं मानती हूँ कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर इस तरह के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है, और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। बहुत खुश थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी उस समय दिया था, वो बहुत खुश थे। स्वाभाविक है कि उनके जीवन का एक ऐसा सपना जिसके लिए उन्होंने काफ़ी समय से संघर्ष भी किया, उसमें मेहनत भी की, वो सपना पूरा हुआ, तो इसके लिए वो बहुत खुश हैं। वो बहुत बहुत भावविभोर हैं, सुबह से आंखों में आंसू है, जो अक्सर उनकी उनकी उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई उनकी प्रेज करता है तो उनके स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं आंखों में। दूसरे टाइम जब आते हैं तब वो तिरंगे को सलाम करते हैं। ये दो समय में, या उनकी कोई ज़्यादा प्रशंसा करे तब आते हैं, या फिर देश से कुछ लेने देने वाली बात हो तब आते हैं। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है, और ये परिवार के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। देखिए, 1990 में आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी, जो राम मंदिर के निर्माण के लिए थी, और 1990 से लेके अब तक, आज 2024 हो गया है, इतने वर्षों तक कई लीगल केसेस भी आए, कई और बातचीत हुई, लेकिन आज मंदिर हमारे सामने आया है, और ये एक निश्चित रूप से उनके जीवन काल में हुआ है। तो इसकी बहुत हमें प्रसन्नता है कि जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और जो आंदोलन इतना अपनी चरम सीमा तक गया, आज उसे हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। मंदिर आज हमारे सामने बन रहा है, और बहुत उसकी हमें खुशी है। निश्चित रूप से उन्होंने एक ये आयोजन किया था, इसका पूरा मूवमेंट का आज हम देख रहे हैं अपने सामने, बहुत अच्छी बात है।